कैप्टन सरकार हाय 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 साल का राज एक महीने च असी खत्म कर दिता इन्हों का सो आ जाण जिगरा रखण आके वड़न पिंडां च साड्या च हो मंत्री चरणजीत चन्नी का नाम बार बार लवांगे साढ़े जिले के बीच मंत्री बने कांग्रेस के क्योंकि ये साढ़े चार साल के कितने सीगे। देखो सब तो पहली गल तो जिहड़ा अकाली दल पंजाब दे विच 25 साल राज करन दीआं बड़कां मारदा सीगा अज उन्हें यह तो लोगों के ऐलान करता कि पंजाब का इलेक्शन लड़ना साढ़े कल्याण के बस का रोग है नहीं। बादलों के उपर करप्शन के आरोप लगे कचहरियां चौदह वह भी साबित नहीं हुए फिर कैप्टन के उपर सिटी सेंटर घोटाले के दोष लगे वह भी साबित नहीं हुए यह तो जी कैप्टन और बादल फिक्सिंग का सीधा सबूत है। 2022 दी चोणां नूं लैके पंजाब दे विच सियासत लगातार गरमा रही है ते अज आम आदमी पार्टी वल्लों कांग्रेस दे मंत्री धर्मसोधा पुतला फूक के जिहड़ा हैगा विरोध किया गया गल भी कर लैंदे इत्थे लीडरां दे नाल की कुछ कहना ते की कुछ तैयारियां ने इहनां दीआं जिहड़ा अज पुतला फूकेगा की कुछ कहना चाहुंदे हो। अज जिहड़ा साधु सिंह धर्मसोत है ये जिहड़ा साधु सिंह मंत्री धर्मसोत है नाम तो साधु सिंह है काम इन्हों ठगां वाले चोरां वाले है ये इस्तीफा देन असीं पुरजोर जिहड़ी मंग करदे आ इस्तीफे की ये जिहड़ी सरकार है इहदे जिहड़े भगौड़े मंत्री हैगे आ चमकौर तो ला लो मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ये भी लोगों तो भगौड़े मंत्री है तो साधु सिंह ये तो सारा खजाना ही खा गए सारे मंत्री फतेह किट घोटाला वैक्सीनेशन घोटाला जिहड़ा वजीफियां का घोटाला तो होर लखां घोटाले इन्हां दे लखां करोड़ां दे ये इस्तीफे देन ये तो अपनी सरकार छड्ड देन कोई इंसानियत है ही ना कि नहीं। अकाली दल ने 2022 दे जिहड़ा चोण दंगल जितण दे लई आ बसपा दे नाल समझौता कर लिया कहिंदे आम आदमी पार्टी ते कांग्रेस नूं असीं ढाउणा है नहीं सानू नहीं ढा सकते साढ़े तो असी तो वह लोग हाँ भी जिन्होंने इतिहास रचे आ पंजाबियों ने असी तो 17 के इन्हों दस दिता भी थोड़ा 10 साल का राज है एक महीने असी खत्म कर दिता इन्हों का सो आ जाण जिगरा रखण आके वड़न पिंडां च साड्या च नहीं वड़न देंदे असी जिहड़ी कांग्रेस है इहदा हुण असी देख रहे हैं जिस हिसाब नाल लुट है एक 50 पैसे दे मास्क दा साडे लोगों 500 ते 1000 लेंदे रहे आ ठीक है सानू कोई वैक्सीनेशन नहीं सानू कोई सहूलत नहीं वजीफे तुसी खा ले तुसी किहड़े मूंह नाल आके मतलब ये तो दसो साधु सिंह जी मंत्री चरणजीत चन्नी कैप्टन साहब तुसी ये तो दसो साडे पिंडां च आके तुसी क्या दसोगे तुसी क्या करिया ताही बनूगी ना सरकार। चन्नी का तुम बार बार जिक्र करो चन्नी तो कहना मैं अपनी सरकार के खिलाफ हाँ मैं तो दलितों के नाल दर्जा चार दे सफाई सेवकों के नाल खड़ा है। देखो मंत्री चरणजीत चन्नी का नाम बार बार लवांगे साढ़े जिले के बीच मंत्री बने कांग्रेस के क्योंकि ये साढ़े चार साल के कितने सीगे 2 महीने पहला अज 4 महीने पहला कहिंदे मैं दलितों के नाल है साढ़े चार साल के ये क्या सफाई सेवकों लेके आए मैं सफाई सेवकों ने पूछना चाहनी भी मंत्री साढ़े जिले के थोड़े लिए क्या लेके आए साढ़े चार साल के हुण तो सरकार गई। बिल्कुल जी की नाम प्रधान जी हरविंदर सिंह जी ਕੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਆ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰ ਆ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਟੋਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਪਰੰਤੂ ਮੁੱਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਹ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨੇ ਮੁੱਦੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਗਰਾਊਂਡ 'ਤੇ ਉਤਰਾਂਗੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠਾ ਹੈਗੇ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਬਣੇਗਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗਰਾਊਂਡ 'ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ? ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਾਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੰਘ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਰ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਧਰਨੇ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਆਏਗੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕੇ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਧਰਨੇ ਲੱਗਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਚਲੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੇ ਆ ਪੈਸੇ ਲੇਕਿਨ 3 ਮੈਟਰ ਦਾ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਕੀ ਨਾਮ ਸਰ ਬਾਬੂ ਚਮਨ ਲਾਲ आम आदमी पार्टी ਨੂੰ ਢਾਣ ਦੇ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬਸਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰ ਲਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਦੰਗਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜਿੱਤਣਾ ਬਾਈ ਦਾ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਢਹਿ ਗਏ ਵੇ ਦੋਨੋਂ ਢਹਿ ਵੇ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਹੋ ਗਏ ਹੋਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ BSP ਔਰ ਅਕਾਲੀ BJP ਇਹ ਤਾਂ ਮੁਖੀਆਂ ਨਾਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ
यानी कोई हल है ही नहीं। पर दंगल शुरू होने तो पहला हरेक पहलवान यही कहना मैं जितूंगा, पर हले जो दंगल होगा उदो देखे जाऊगा आम आदमी पार्टी उपर होगी या अकाली बसपा उपर होगी या कांग्रेस उपर होगी। देखो जी राजनीति है ना, राजनीति दे विच जेड़ा लोकतंत्र दे विच खासकर लोगों के लिए जो काम करता है वही अगे आता है। हूँ कई तक सहु चक के बी असं लोगों खातर ये करा गुटका साहब की सहु चुक लैनी करना कख है नहीं उन्होंने वास्ते थोड़ा होंदा, ये लोकतंत्र है लोग बदलते हैं और बदलेंगे। जिन्हें लोगों की गल कर रहे हो लोकतंत्र की गल कर रहे हैं कानूनी माहर जो सियासी माहर ये भी कहते हैं सारे लोगों की गल नहीं करते, कुछ लोग यह जे भी है जो शराब दी बोतलों से बिक जाते वो देखते ही नहीं है भी सानू केड़ा चंगा केड़ा माड़ा। बिल्कुल सही है थोड़ी गल काफ़ी हद तक ठीक है अज तक, क्योंकि नशिया नाले ही ज़्यादा लोग खराब हुए ने, यह नशिया करके ही पंजाब बर्बाद होया है, ये दुनिया हम समझ गई है। और खासकर सारा जिहड़ा दिल्ली का मॉडल है वो इत्थे सारियां नूं हुण तां जनी एक प्रेस दे विच या टीवी दे विच हर एक आदमी जानता है कि असी लोक मारू नीतियां दे विरुद्ध हाँ और लोगों के हित में काम कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी के आम आदमी वास्ते काम कर रही है। चड्डा जी आही सवाल हैगा जिदा गठजोड़ किया गया अकाली बसपा वालों की लगता आम आदमी पार्टी तो कांग्रेस में जोड़ा हैगा टक्कर दे के जितूगे चोणा दीक्षित सर 2022 दी। देखो सब तो पहली गल तो जिहड़ा अकाली दल पंजाब 25 साल राज करन दीआं बड़कां मारदा सीगा अज उहने इह लोकां दे विच ऐलान करता कि पंजाब दा इलैक्शन लड़ना साडे कल्लियां दे बस दा रोग है नहीं, सानू जिहड़ियां फोड़ियां दी लोड़ है वह फोड़ियां दे रूप 'च उहनां ने सहारा लैण दा कोशिश कीता बसपा दा, पर उत्थे फोड़ सहारा लैण तो पहलां उह इह चीज़ भुल गए कि ये फोड़ियाँ इस रस्ते दे उपर कम नहीं करनियाँ, क्योंकि जिहड़ी बसपा मूवमेंट है पंजाब दे विच वह साहब श्री कांशी राम जी ने बनाई हुई है, वह साहब श्री कांशी राम जिहड़े श्री गुरु ग्रंथ साहब नूं अपना मैनीफेस्टो मानते सीगे अपना आदर्श मानते सीगे, पर उस मूवमेंट नूं अखों परोखे करके BSP ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਠਜੋੜ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘਟਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ गठजोड़ करके कदे भी जड़ा दलित मूवमेंट का साहब श्री कांशी राम जी की मूवमेंट का फायदा अकाली दल नूं नहीं दिता जा सकता। जिहड़े तुसीं अकाली दल ते दोष लगा रहे हो तो कितने भी कानूनी तौर पर साबित नहीं होए, तुसीं गल कर रहे हो गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी की, उहदी तां हले जांच चल रही है, हले सिट जिहड़ी दुआरा बनाई गई आ। देखो कानूनी तौर पर तो अज तक बादलों के उपर करप्शन के आरोप लगे कचहरियां चों तां उह भी साबित नहीं होए, फिर कैप्टन के उपर सिटी सेंटर घोटाले के दोष लगे वह भी साबित नहीं हुए, ये तो जी कैप्टन और बादल फिक्सिंग का सीधा सबूत है। क्या साड़ी कानून व्यवस्था इन्नी ज़्यादा फेल हो गई कि हज़ारों करोड़ों का परचा पहला बादलों के उपर दर्ज होया हज़ारों करोड़ों की जायदाद बनाने का, वो सारे के सारे गवाह कोर्ट के जाके मुकर गए और बादल बरी हुए घर आ गए, फिर कैप्टन के उपर परचा दर्ज होया सिटी सेंटर घोटाले का लुधियाने का, अमृतसर का भी परचा दर्ज होया, मोहाली के परचे दर्ज होए, पटियाले के परचे दर्ज होए, वो अकालिया ने बरी करके घर भेजते, हूँ बारी आ गई फिर मुड़ के बादलों की, इन्हों के उपर जी कार्रवाई होनी सी बाद कैप्टन साहब कहते मैं चक के अंदर दूंगा बेअदबी हूँ इन्हों भी बरी करके घर भेजता, यह तो सीधा इन्हों की फिक्सिंग का सबूत है। और जी इन्हों की फिक्सिंग है सैनी साहब, इन्हों की फिक्सिंग जी है मानयोग हाईकोर्ट की जजमेंट के भी दिखती है, उस जजमेंट के लिखा हुआ कि जी SID कुमर विजय प्रताप वाली बनी सी जो बाकी चार मैंबर से वह ऑनरेबल हाईकोर्ट के जवाब देने भी नहीं पहुंचे, मतलब सीधे तौर पर उन्होंने दोषी फायदा पहुंचाया, जे कैप्टन साहब की फिक्सिंग नहीं सी तो उन्होंने अफसरों हाई कोर्ट की जजमेंट आने तो पहला पहला चक के अंदर देंगे कि तुम क्यों नहीं जवाब देने पहुंचे क्यों बादलों का फायदा कर रहे हो। तुम खुद वकील हो तुम जरा कानून व्यवस्था से सवाल चुक रहे कि थोड़ा विश्वास नहीं है देश की कानून व्यवस्था से, तुम खुद वकील हो एक। देखो मैं मुल्क की जुडिशरी से मुल्क की न्यायपालिका से बिल्कुल सवाल नहीं खड़ा किया, मैं जिहड़ा जुडिशरी ने फैसला करना हों फैसला करना हों जो अफसर शाही दी रिपोर्टा गई कहते सवाल नहीं चाहता क्या कि अज तक सज़ा नहीं दी बादलों ने दी बिल्कुल मैं सवाल ही है और बिल्कुल मैं कहा जी मैं मेरा अगे पूरा सुनो कि मैं की कह रहा कि जुडिशरी ने क्यों सज़ा नहीं दी। जुडिशरी ने इस करके सज़ा नहीं दी क्योंकि जोड़े अफसर से जाके हॉस्टाइल हो गए, वो उन्होंने गवाही तो मुकरा दिता गया, जे बादलों के खिलाफ 52 अफसर
मुकरा दिते गए गवाही तो कैप्टन साहब के हुक्म तो बिना नहीं हो सकता। जे बादलों के खिलाफ हूँ एस आई टी के चार मैंबर हाई कोर्ट के जवाब देने नहीं पहुँचे, ये कैप्टन साहब के हुक्मों तो बगैर नहीं हो सकता। जिथे जेडे अफसर है उही सही गवाहियां ना देन, उही सही रिपोर्टा ना देन, उत्थे जुडिशरी की करेगी? जुडिशरी अखबारां पढ़ के सज़ा नहीं दे सकती, जुडिशरी टीवी देख के सज़ा नहीं दे सकती, जुडिशरी ने रिकॉर्ड के बेस से सज़ा देनी है। और रिकॉर्ड ये सरकारां खराब करांदियां ने, रिकॉर्ड ये सरकारां दोषियों के हक के बनवांदियां ने। अच्छा, अकाली दल के गठजोड़ के दौरान पार्टी प्रधान सुखबीर बाल ने कहा भी जिंदी असी बाँह फड़ लीए फिर जिंदगी भर छड़ते नहीं है, असी पक्का साथ निभा दे, क्या उन्होंने किवें देख रहे इस बयान? देखो बाँह का तुम जी सब तो ज़्यादा घुट के फड़ी भी सी, बाँह फड़न के नाल नाल घुट के जफ्फी भी पाई भी सी, वो तो मोदी को पाई भी सी, और इन्नी घुट के तुम मोदी को जफ्फी पाई भी सी भी जदों पंजाब विरोधी किसान विरोधी कानून भी लागू हो गए तुम उदों भी थोड़े बादल साहब चिट्ठिया लिखते रहे कि ये कानून बड़े सही ने जी, खेतीबाड़ी मंत्री साहब पंजाब के किसानों के माड़े मोटे भुलेखे दूर कर दें, तुसी इन्नी घुट के जफ्फी पाई भी सी, पर जदों पंजाब दे लोकां ने थोड़ा भुलेखा कढ़ता कि सानू कोई भुलेखा नहीं है, तुसीं पिंडां नूं बड़ के दिखाओ असीं थोड़ा भुलेखा कढ़दे हां, फिर तुसीं दिल्ली वल नूं भज्जे अपनी नवीं ड्रामेबाजी करन। सो ये तां कहण दीआं गल्लां ना, अकाली दल नूं कोई अकाली दल दलितां दा फायदा कर ही नहीं सकदा, क्योंकि दलितां दा फायदा करन दे लई गरीब लोकां दा फायदा करन दे लई जिहड़ा सूबे दा खजाना है उहदे मूँह गरीब लोकां वल नूं खुल्ले चाहीदे आ, खुल्ले पैणे आ। पर अकाली दल एक ऐसी पार्टी है पंजाब दे विच जिहने सरकार दे विच रहिंदे होए गरीब लोगों की बजाय सब पासों ट्रांसपोर्ट के माइनिंग के शराब के होटलों के सब पासे तो खजाने के मूँह अपने घर वालू कर ले और अपने खजाने अज इन्ने ज़्यादा भर ले जिन्हों की बदौलत अच्छ पंजाब के लोगों को पंजाब के लोगों को लुटे हुए पैसे के नाल ही बड़े बड़िया रैलियां बड़े बड़े शक्ति प्रदर्शन करके दिखा रहे हैं। इन्नी लुट सुट करने वाले बंद को किड़े दलित समाज की किड़े गरीब समाज की भलाई की आस रखी जा सकती है? गठजोड़ होया हूँ की लगता है कि फायदा होगा अकाली दल को, कि नुकसान होगा कांग्रेस से आम आदमी पार्टी? देखो अकाली दल इस अकाली बसपा छड़ के चाहे मुल्क दियां सारियां पार्टियां नाल गठजोड़ कर लवे, जो करतूत अकाली दल ने पंजाब दी किसानी दे नाल धरोह कमा के कीती है, काले कानूनां ते मोहर ला के कीती है, जो श्री गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी करके कीती है, जो पंजाब की लुट खसुट करके कीती है, ये चाहे पंजाब हिंदुस्तान दियां सारियां पार्टियां नाल गठजोड़ कर लैन, इन्हां नूं हुण किसी पिंड की सरपंच ही नहीं मिल सकती, सरकार बनाउण दा दूर दी गल है। की लगदा आम आदमी पार्टी सरकार बनाऊगी सर? आम लोगों को ही हक है सरकार बनाने का, जदों जिहड़ियां रवायती पार्टियां है उन्हां सिर्फ तो सिर्फ लुट दे राह ते आ जाण अकाली दल भी कांग्रेस भी, उदों जे आम लोग कट्ठे होए ने आम नौजवान कट्ठे होए ने आम परिवार कट्ठे होए ने आम आदमी पार्टी के प्लेटफॉर्म से तो वह तख्ता पलट के जरूर दिखाणगे। विरोधी पार्टी कह रही हाले तक इन्हां तो मुख्यमंत्री का जिहड़ा हैगा अनाउंस नहीं हो रहा भी पंजाब का होगा या दिल्ली का होगा, कहिंदे इन्हां ने जितना की है पंजाब दे विच? ਇਹ ਗੱਲ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਨਾਊਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਨਾਊਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਣਾ, ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਪੱਕੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕੈਪਟਨ ਦੀ, ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵੇ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ, ਦੇਖ ਲਿਆ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਬਣਾਤਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਚੱਲ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੋ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਿਹਰਾ ਆਉਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਔਰ ਉਹ ਸਹੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਊਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਪਾਰਟੀ ਗਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੋਊਗਾ ਚਿਹਰਾ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੋਊਗਾ? ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ 'ਤੇ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਗਾ 2022 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਤਪਦੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾਈ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਇਹ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਹੈਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਚੈਣੀ, ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ, ਰੂਪਨਗਰ। Please subscribe our channel and press the bell icon ताकि कोई भी नवी अपडेट तुसे बिल्कुल भी मिस ना करो।